हेलो दोस्तों, आज हम चाइनीज वमसली यानी चटपटी मसालेदार सेवैयाँ बनाएंगे। अगर आपने सेवई को हमेशा मीठे के रूप में ही खाया है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन इसे देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, इससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम एक कप वमसली यानी सेवैयाँ लेंगे। कटा हुआ प्याज लिया है, कटी हुई गाजर ली है, कटी हुई शिमला मिर्च ली है, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन लेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च ली है। मसालों में हमने सोया सॉस लिया है, रेड चिली सॉस लिया है, टोमेटो केचप लिया है, एक चम्मच नमक लिया है और एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम गर्म पानी में सेवैयाँ डाल देंगे, एक चम्मच तेल डाल देंगे और आधा चम्मच नमक डालकर इसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे। सेवैयाँ उबल चुकी है और अब हम इसे एक छलनी की सहायता से छान लेंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे, कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और सभी सब्जियां डाल देंगे और इसे तेज आंच पर 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार रेड चिली सॉस डाल देंगे। 3 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम टोमेटो केचप डाल देंगे। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल देंगे। अब इसमें हम उबली हुई वरमसली डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। चटपटी मसालेदार सेवैयाँ तैयार हैं। आप इसे एक प्लेट में सर्व कर लें और इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको मेरी चटपटी मसालेदार सेवैयाँ की वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।